नमस्कार, क्या आपको पता है जब वीर सावरकर काला पानी की सजा काट रहे थे तब उन्हें एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा गया था जहां चाबी लगाने के लिए एक छोटा सा छेद भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उनके कमरे में बुलबुल चिड़िया आती थी और वो छोटी सी चिड़िया सावरकर को अपने पीठ पर बैठा कर घुमाने ले जाती थी। अब आप कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं है और ये मैं कैसी पंचतंत्र टाइप मनगढ़ंत कहानी आपको सुना रहा हूँ। लेकिन ये कहानी मैंने नहीं, कर्नाटक बोर्ड की 8वीं क्लास की किताब में लिखी हुई है। यहाँ 8वीं क्लास में वीर सावरकर पर एक पाठ है जिसके अनुसार सावरकर को एक ऐसे कमरे में बंद किया गया था जहाँ चाबी लगाने के लिए भी कोई छेद नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उनके कमरे में बुलबुल आती थी और उन्हें अपने पीठ पर बैठा कर मातृभूमि के दर्शन कराने ले जाती थी। अब इस पाठ को लेकर बवाल मच गया है। आरोप लग रहा है कि किताब के जरिए बच्चों को गलत जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर किताब का ये चैप्टर वायरल हो रहा है जिस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसे बेकार की बात कह रहे हैं तो ही बीजेपी के नेता बचाव में जुटे हैं। कर्नाटक टेक्स्ट बुक सोसाइटी ने भी इस पर सफाई दी है। इनका कहना है कि ये लिखने वाले का पोएटिक इमेजिनेशन यानी कि काव्य कल्पना है। कुछ नेताओं का ये कहना है कि इस लाइन का इस्तेमाल किताब में अलंकार के तौर पर किया गया है। आपको बता दें कि इस किताब में पहले ये चैप्टर नहीं था लेकिन नए सिलेबस में इस किताब में इस चैप्टर को शामिल किया गया। इस चैप्टर का कंटेंट केटी गट्टी के एक यात्रा वृतांत से लिया गया है जो 1911 से 1924 के बीच सावरकर के सेलुलर जेल में बंद रहने के दौरान वहां गए हुए थे। जिस किताब में इस बात का जिक्र है वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। आपको बता दें कि वीर सावरकर से जुड़ा लेख, फोटो या अन्य पाठ्य सामग्री को लेकर लगातार विवाद होता रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक में ही सावरकर और टीपू सुल्तान पोस्टर का विवाद हुआ था। 15 अगस्त को शिवमोगा में वीर सावरकर और टीपू सुल्तान की पोस्टर रैली निकाली जा रही थी और इस दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गया जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया था। वहीं 22 अगस्त को कांग्रेस के दफ्तर में वीर सावरकर की तस्वीर लगा दी गई। आरोप लगा कि किसी बीजेपी नेता ने जानबूझकर ऐसा किया। वहीं हाल ही में गणेश चतुर्थी पर भी भगवान गणेश के साथ सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी, इस पर भी हंगामा हुआ था। वहीं इससे पहले एक और सरकारी पत्रिका में महात्मा गांधी और वीर सावरकर की तुलना की गई थी, इस पर भी खूब हंगामा मचा था। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आ गए थे और अब कर्नाटक बोर्ड की किताब पर एक बार फिर से नया विवाद शुरू हो गया है। सावरकर से जुड़ा इस पाठ का सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन हमारा भी मानना है कि इतिहास के किसी भी तथ्य या किसी भी सामग्री के साथ छेड़छाड़ या मनगढ़ंत कहानियों को बनाने से बचना चाहिए। अलंकार का प्रयोग करें लेकिन सावधानी से करें, कहीं ऐसा ना हो कि अलंकार उस पूरे वाक्य का मतलब ही बदल दे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।